वेलकम स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लास है। आज जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर मैप, उसी मैप के अकॉर्डिंग जो है आज हम अपने भारत के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। हम आज कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा भारत क्या है, किस प्रकार से है, उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम ये समझेंगे कि भारत की चीज़ें क्या है। हम भारत में रहते हैं और भारत में रहकर अगर हम भारत के बारे में ना जाने, इंडिया के बारे में ना जाने, तो कहीं से भी नहीं। और ये आपकी स्टडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। जब भी हमारी मैप की क्लासेस होती हैं तो आपको पता है कि मैप की क्लासेस में हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती कि कौन सा स्टेट कहाँ है, किस प्रकार से है, कैसे देखने को। जब मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे छोटा नागपुर जो है आपका झारखंड में देखने को मिलता है, तो आपको ये लोकेशन याद होनी चाहिए कि झारखंड जो है भारत के कौन से उसमें आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले देख लेते हैं, ये भारत है, आपको पता है ये पूरा टोटल हमारा भारत है, इसकी बाउंड्री और इसका सब कुछ है। ये सब किसने बनाया? ये हमने बनाया। तभी मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे हम दो चीज बात करेंगे, एक पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो होता है वो मैन मेड होता है, वो हम लोग बनाते हैं, हम लोग फिक्स करते हैं हमारी बाउंड्री क्या है, किसकी बाउंड्री कैसे है, कि कहाँ पे कितना स्टेट है, वो सारी चीज़ें जो है हम फिक्स करते हैं। और फिर आप देखोगे और बाकी फिजिकल मैप क्या होता है, वो एक ऐसा चीज़ है जो प्रकृति नेचर वाइज है, नेचर ने खुद ही अपने आप क्रिएट किया है कि कहीं पे अगर माउंटेन देखने को मिलेगा, कहीं पर प्लेन्स, तो कहीं पर कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, कहीं पर प्लेटू रीजन देखने को मिलता है, तो कहीं पर हमें आइलैंड देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ क्या है, तो ये सब कुछ यहाँ पर देखते हैं, तो वो नेचर है, मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल तरीके से वो जो है डेवलप हुए। तो इसीलिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमें दो चीज़ याद रखना है कि आज हम मैन फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस। तो आप स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हम यहाँ पर लोकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे कि भारत की यहाँ की लोकेशन कहाँ है और किस तरह भारत की लोकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पहली सबसे पहली चीज़ें हम वो यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछली वाली क्लासेस में भी और कई सारे टॉपिक्स में आपको मैंने ये बताया है कि इसके लिए हमें समझने के लिए दो चीज़ हमारी सबसे मेन चीज़ है। एक आता है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, ये दो चीज़ हमें यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी। इसके समझने जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी और चीज़ें यहाँ पर समझ नहीं सकते। हमें पता है दोनों के अपने अपने वर्ग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। लैटिट्यूड्स और जो लॉन्जिट्यूड्स है, एक डिस्टेंस को तो समझने में काम आता ही है। डिस्टेंस को हमें देखने में तो बहुत मदद करता है कि हम देखते हैं एक जगह से दूसरे जगह की जो डिस्टेंस है वो क्या है, किस प्रकार से होगी, ये समझने के लिए हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स का सहारा लेते हैं। आपको पता है अगर मैं यहाँ से बिहार की, यहाँ से मैं आपको केरला कर्नाटक की आपको डिस्टेंस अगर आपसे पूछूँ, तो ये तो नहीं है कि हम फीता लेके नापते हैं या कुछ भी लेके नापते हैं। हमें यहाँ पे हम उसके लिए कोई मेथड फिजिकल मेथड करते हैं तो वो हमें नहीं रखता। हमें पता है हम जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हैं, इनके डिफरेंस के बीच में हमें यहाँ पता चल जाता है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। और आपको मैंने बताया इन दोनों की जो वैल्यू है, एक मतलब देखो एक लाइन से दूसरा लाइन, ठीक है, एक आपको यहाँ पर एक आपको लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड्स के बीच का अगर डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, तो वो होता है 111.3 किलोमीटर जो होता है लैटिट्यूड्स का देखने को मिल जाता है, और लॉन्जिट्यूड्स का भी। अगर हम लॉन्जिट्यूड्स के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो भी सेम है, 111 किलोमीटर जो है दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो है डिस्टेंस में हमें काफ़ी अच्छी खासी हेल्प करता है। अगर मैं देख लूँगा कि भारत की यहाँ की लैटिट्यूड्स और यहाँ की लैटिट्यूड बीच में कितने लैटिट्यूड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम उसको आराम से जो है इंटू कर सकते हैं और उससे हम इजीली डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पर समझना है। एक तो चलो पता चल गया लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स का एक काम हो जाता है डिस्टेंस को देखना, ठीक है, डिस्टेंस को नापना, ये सब काम होता है। तो दूसरा चीज़ जो देखो लैटिट्यूड्स होता है, लैटिट्यूड्स का आपको पता है टेम्परेचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसमें? टेम्परेचर।
ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस जगह पे कैसा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर सिर्फ जो है टेम्परेचर ही ऐसी चीज है जो बहुत चीज़ों को जो है इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आपकी अगर हवा चल रही है, अगर एयर मूव कर रहा है तो वो जैसे एयर मूव, एयर के मूवमेंट को विंड कहते हैं। अगर विंड कहाँ से कैसे चलती है तो वो भी टेम्परेचर पे होता है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर है वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहाँ पे जो लो टेम्परेचर है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और आपको पता है कि विंड जो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी जब हमारी क्लासेस भी होगी। तो आपने देखा इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी जगह पे। हम कैसे कहते हैं जैसे मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि ऐसा क्यों होता है कि जनवरी के टाइम पे मॉनसून नहीं आता है और जून के टाइम पे मॉनसून आना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि जून के टाइम पे हमें ये चीज़ पता होती है कि जून के टाइम जो इंडिया में जो लैंड है वहाँ पे जो होता है लो प्रेशर क्रिएट होता है। वहाँ पर क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी लगती है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसी तरीके से साउथ वेस्ट से हमें क्या देखने को मिलता है? विंड मूव देखने को मिलता है, विंड का मूव यहाँ पर तमाई। तो वो सारी क्लासेस होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है लॉन्जिट्यूड। तो इसका डिस्टेंस में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमें टाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किससे? टाइम। तो हमें ये पता है लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लैटिट्यूड्स बताया भी था। ये इमेज, ये दोनों ही इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और ये लैटिट्यूड जो होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ड्रॉ की जाती है तो उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। सिंपल सा हम देखते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, लॉन्जिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस हमें देखने को मिलता है, और ये हमें क्या होता है, हम पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें ड्रॉ करनी है, ये लाइंस होती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसी के लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड से ही पता चलेगा कि भारत भारत वर्ल्ड में कहाँ है, भारत वर्ल्ड में किस तरफ है। ये चीज हमें कैसे पता चलेगा? तो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की मदद से ही पता। तो आइए इस चार्ट इसको हम देख लेते हैं। तो पता है हमें बीच से जो है अर्थ के बीच से एक लैटिट्यूड जाता है, अर्थ के बीच से एक लैटिट्यूड जाता है जिसे हम 0 डिग्री का मानते हैं, और उसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? ठीक है, तो हमें पता चल गया इक्वेटर ने जो है अर्थ को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। अर्थ ने दो पार्टों में डिवाइड किया। ऊपर वाला हमें पता है ये इलाका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो हमें पता चल गया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये चीज हमें यहाँ पता चल गया। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया इसमें, अगर यही से इंडिया के बारे में पता चले तो इंडिया कहाँ है, तो हमें पता चलेगा इंडिया नॉर्थ में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें यहाँ पर पता है कि इंडिया जो है यहाँ पर नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, इंडिया हमें पता चल गया नॉर्थ में पड़ता है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि अगर हमने तो ये लैटिट्यूड्स का देखा है, लॉन्जिट्यूड्स को अगर मैं ड्रॉ करूँ 0 डिग्री, एक बार यहाँ पे 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन देखने को मिलता है। 0 डिग्री का कौन सा होता है? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन में यह लाइन देखने को मिलती है। अब हम देखें तो यहाँ पर इसने भी क्या है, अर्थ को दो पार्टों में बांटा है, अर्थ को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। इधर वाला आ जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर आगे सीधा सिंपल सा। अगर अब हम पूछें तो भारत कहाँ पर है, तो आप इसमें बोलोगे भारत तो ईस्ट में आता है, ईस्ट में आता है। तो इससे पता चल गया इसमें हम जब ने इक्वेटर से हमने लैटिट्यूड देखा तो भारत कहाँ आता है, तो हमें पता है भारत इस हिस्से में, इन दोनों में से किस एक हिस्से में आएगा। अगर मैं फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे लॉन्जिट्यूड से हमने देखा कि भारत कहाँ पड़ता है, तो आपने बोला ईस्टर्न में, तो पता चल गया ये वाला सर्कल। तो हमें पता चल गया भारत जो है वो इस जगह हमें देखने को, ठीक है, इस जगह मिलने देखने को मिलता है। बोलो, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल गया ये चीज यहाँ पर है। तो हम इस इलाके को क्या बोलेंगे कि भारत तो नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है, तो भारत नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड में भारत की लोकेशन क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट। क्या हो गई भारत की? नॉर्थ ईस्ट। भारत की नॉर्थन ईस्ट जो है इलाके में भारत का जो है लोकेशन देखने को। तो भारत का लोकेशन तो पता चलेगा आपको।
अब दूसरी बात होती है यहाँ पर, अगर हमने देखा भारत का यहाँ पे नदर जो है नॉर्थ ईस्ट में भारत का देखने को मिलता है इलाका, तो आप बोलोगे कि सर एक लाइन तो ऐसे जाती है ड्रॉ होती रहती है, ये हमारे यहाँ से 90 डिग्री तक जाती है और यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, उसी तरीके से ऐसे तो है ना सारा लैटिट्यूड, और इसी प्रकार से हमें यहाँ लॉन्जिट्यूड भी देखने को मिलता है, इसी प्रकार से ऐसे ऐसे लॉन्जिट्यूड्स भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें भी मैंने आपको बता लिया टोटल लैटिट्यूड जो 180 देखने को मिलता है, 181 होता है वैसे, और यहाँ से भी हमें 180 इधर और 180 इधर लॉन्जिट्यूड्स देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको मैं पहले हम छोटी सिक्स क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता चलिए इधर, तो आपको तो ये भी लगना चाहिए कि सर यहाँ पे कौन से लैटिट्यूड से भारत स्टार्ट हो रहा है और कौन से लैटिट्यूड्स पे भारत खत्म हो रहा है, फिर आप ये भी बोलोगे सर कौन से लॉन्जिट्यूड से स्टार्ट हो रहा है कौन से लॉन्जिट्यूड से ठीक है एंडिंग के, तो इसी के लिए अब हम मैप पे आते हैं, इसी पे हम क्या ये चीज आप याद रखना, ये चीज इसका मैं आपके आगे क्वेश्चन बोलूंगा भी, एक फैक्ट आएगा उस फैक्ट को समझेंगे ठीक है, ये चीज याद रखना कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे देखो आप लॉन्जिट्यूड के बीच का गैप देखो, यहाँ पर ज्यादा गैप है बड़ा बॉक्स दिख रहा है आपको और यहीं देखोगे तो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है छोटा बॉक्स, इस चीज को आप याद रखना, मैं आगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज में आपको यहाँ पर देखूंगा ठीक है, तो इतना चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर भारत का लोकेशन जो है, हम लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड से भारत का लोकेशन हम यहाँ पे समझते हैं, तो हम देख लेते हैं अपना यहाँ पर देखते हैं कि भारत हमें पता है नीचे से इक्वेटर देखने को मिलता है, अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अगर आइडेंटिटी हम करें तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से इक्वेटर है, ये 0 डिग्री का क्या है इक्वेटर यहाँ से देखने को मिलता है, अर्थ पे इसी तरीके से 0 डिग्री का देखने को मिलता है, हमें पता है इक्वेटर से हल्का सा ऊपर से ही भारत था है, अगर हम देख भी लेते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं लैटिट्यूड्स कि भारत का लैटिट्यूड्स ना जो लोकेशन किस तरीके से है क्या है हमें देखने को मिलता है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बताओ मुझे कि भारत तो ये पूरा है, भारत पूरा है कि नहीं है, भारत को अगर देखा जाए तो भारत ये पूरा हमें देखने को मिलता है, तो इसका मतलब भारत का ये भी इलाका भारत का है, ये भारत का आइलैंड देखने को मिल रहा है यहाँ पे जिसे हम अंडमान और निकोबार कहते हैं, अंडमान निकोबार भारत का लोके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लक्षद्वीप है भारत का ठीक है, दो चीज हमें यहाँ पे अंडमान और निकोबार देखने को मिला और लक्षद्वीप देख रहे हैं, दो आइलैंड हमारे ये, तो इसका मतलब तो फिर बोला जाएगा कि सर ये भी हमारा हिस्सा है, इनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि अगर यहाँ देखें तो इस इनमें तो यार अंडमान निकोबार तो और नीचे आ रहा है कि ना, तो बता हमारा जो साउथ में इंडिया का जो साउथ है उसका जो स्टार्टिंग लैटिट्यूड्स होगा वो यहाँ से होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ से जो लैटिट्यूड्स टच करती है ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट पे जो लैटिट्यूड्स टच करते हैं उसको कहते हैं, वो कौन सी नंबर का होता है 6 डिग्री 4 मिनट, बिल्कुल सही 6 डिग्री 4 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट है वो क्या देखने को मिलता है 6.4 डिग्री, आगे समझ में, इस चीज को याद रखना क्योंकि अभी मैं फिर पूछूंगा जब मैं आपको यहाँ पर वेजिटेशन का चैप्टर हमारा है वेजिटेशन के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको उस चीज़ में, मैं इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे ना कि भारत में कौन सा रीजन देखने को मिलता है तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्या देखने को मिलता है तब आपको यही चीज़ याद करना है ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है ये भारत का जो है साउथ का जो सबसे स्टार्टिंग जो होता है देखने को मिलता है लैटिट्यूड, अगर बोलेंगे सर ठीक है चलो आपने ये तो बता दिया, अब आप हमारी मेन जो लैंड है एक्चुअल जो हमारी मेन लैंड है उसका आपको यहाँ पर बताना है, तो हमें पता है यहाँ से कन्याकुमारी क्या देखने को मिलता है कन्याकुमारी हमारा जो जगह देखने को मिलता है उस जगह पे कन्याकुमारी हमारी जगह देखने को मिलता है वहां से 1 डिग्री 4 मिनट जो है लैटिट्यूड देखने को आया समझ में चीज, बहुत इजी है 8 डिग्री 4 मिनट का जो है लैटिट्यूड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और एंडिंग पॉइंट का नाम भी क्या है हमारे मेनलैंड का कन्याकुमारी ठीक, अब हम देख लेते हैं हमने यहाँ से आते हैं बीच में यहाँ पर आते हैं ऊपर वाले पे देखते हैं पहले, हमें पता है यहाँ पर एक जगह है इंदिरा
इंदिरा कुल जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है भारत का, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट का साइन मत भूलना, ठीक है, मिनट का साइन होता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये पता चल गया। और एंडिंग पॉइंट का नाम क्या है हमारा? इंदिरा कुल। ये हमारा जो है नॉर्थ मोस्ट एंड जो पॉइंट देखने को मिलता है वो हमारा ये। अब हमें यहाँ पर हमने एक चीज देख लिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग का हमारा ये देख लिया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये चीज हमने यहाँ पर देख लिया, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम लॉन्जिट्यूड्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? लॉन्जिट्यूड्स। यहाँ पर एक जगह है, ये हमारा गुजरात पॉइंट है। अभी स्टेट याद कराऊंगा, कुछ स्टेट भी हमें याद है ना, कैसे स्टेट याद किया था वो चीज। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक कच्छ के इलाके में हमें एक सर्कलीय रेखा देखने को मिलती है, और उस जगह एक गुहार होता, गुहार मोता एक जगह देखने को मिलती है, वो हमारा सबसे एंडिंग पॉइंट हमें माना जाता है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट का एंड, जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन सी जो है, कौन सा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड स्टार्ट हो जाता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट। बिल्कुल सही, 68 डिग्री 7 मिनट का जो हमारा कौन सा लॉन्जिट्यूड क्या होता है? लॉन्जिट्यूड, ये याद रखना, ठीक है। लैटिट्यूड्स हमारा जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है, जो वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ की जाती है, और जो लॉन्जिट्यूड्स होता है नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ की जाती है, और ये हमारा वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन हमारी? वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गया स्टेटिंग का। यहाँ पे हमारा एक आंध्र प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा जगह है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर हमारा एक जगह किवितु एक जगह है, और वहां पे कौन सा जो हमें देखने को मिलता है? 25 मिनट देखने को। तो याद हो गया आपको सब कुछ बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हमने बहुत अच्छे से इस चीज को यहाँ पर समझ लिया। आगे समझ में ये चीज हमें पता चल गया। अब आपको पता है कि ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स जो है, लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स है, ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, होते कि नहीं होते? तो इसका मतलब हमें ऐसे भारत का भी डिस्टेंस निकाला जा सकता है ना, निकाला जा सकता है कि नहीं निकालता? तो हम देख लेते हैं भारत की लेंथ देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम भारत की यहाँ पे लेंथ की बात करें, यहाँ पर भारत की, तो सिंपल सा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 3214 किलोमीटर भारत का जो है हमें लेंथ देखने को मिलता है नॉर्थ टू साउथ। आगे आपको इतना पता चल गया। अगर हम यहाँ पे भारत की देखो, किसकी बात देखो, भारत का अगर मैं सीधी लाइन खींचू तो यहाँ होता है कि नहीं यहाँ पर, लेकिन भारत में तो एंडिंग पॉइंट यहाँ है, तो हमें ये लाइन थोड़ी सी हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो हो जाएगा हमारा जो है 2935 किलोमीटर। अगर अब चीज देखो, एक चीज याद रखना, यहां से 8 है, ठीक है, या यहां से 6 मान लेते हैं, यहां से मानते 6.4 है, और यहां पे 37 डिग्री। अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो लगभग यहां पर 30 बन रहा है। कितने की आ रहा है? 30 इनके बीच का जो लैटिट्यूड डिस्टेंस कितने 30 है कि नहीं है बता। इनके बीच में 30 लैटिट्यूड्स होते हैं, कितने लैटिट्यूड्स में? 30 में, ठीक है। अगर मैं 68 को लगभग 97 से करूं तो यहाँ पे भी 30 लगभग 30 देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डिफरेंस निकाल के देखो आप जरा, ठीक है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, लगभग आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ, तो लगभग भी देखो वहाँ 25 है, यहाँ पे 7 है, तो लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं होता है, लेकिन हल्का फुल्का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक मैं अबाउट लगभग देखने को मिल रहा है, जनरली हम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे 30 में या 29 आ जाता है कभी कभी, ठीक है, 29 भी आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आपने बोला सर कि जब एक लैटिट्यूड का डिस्टेंस इतना होता है तो इस और लॉन्जिट्यूड का डिस्टेंस सेम होता है, तो इनके बीच में डिस्टेंस सेम क्यों नहीं हुआ? ये तो बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आ गया, आया नहीं? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने आपको बोला था कि वहां याद रखना, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा कि जब एक लैटिट्यूड का डिस्टेंस इतना है और दूसरा लैटिट्यूड का डिस्टेंस इतना है, तो फिर यहाँ पर एक्चुअल सेम डिस्टेंस क्यों नहीं आया? लगभग थोड़ा बहुत तो सेम डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं लगभग 300 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, आपस में डिफरेंस देखने को मिलता है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना, लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब 3 लैटिट्यूड्स का सीधा डिस्टेंस आ गया, 3 लैटिट्यूड्स का, लगभग 3 लैटिट्यूड्स का,
तो अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको याद बताया था कि जब हम अर्थ के बारे में देखेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ से जो आपकी जो लाइंस का डिस्टेंस है ऊपर यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लैटिट्यूड्स का जो है डिस्टेंस थोड़ा जो गैप है छोटा होने लग जाता है, हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है, हो रहा कि नहीं हो रहा, इस वजह से जो है हमें यहाँ पर जो है और हम भी देखते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गए कि नहीं, इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखना होता है। हमें पता है कि सारे जो इनकी जो इसके बीच का डिस्टेंस ऊपर नॉर्थ की तरफ जो है वो वहाँ पर छोटा होते चला जाता है, क्योंकि हमें पता है जो यहाँ पे लाइन पॉइंट है यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, ये सारी एक जोड़ता है एक लॉन्जिट्यूड यहाँ आकर इनसे मिलता है, ये इससे मिलता है, इसीलिए नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाते जो उनका डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता चला जाता है। ये चीज याद रखना, कभी कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो, ठीक है, आगे समझना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एक चीज समझने के लिए। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं चीजों को समझने के लिए। अब हमने सबको समझ लिया, अब आपको याद होगा कि सर आपने फिर से मैं बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से वही मैप अगर आपको दिखाऊं तो सर आपने बताया था मुझे कि एक जो है यहाँ से इक्वेटर 0 डिग्री पे, इससे ऊपर एक इम्पोर्टेंट लाइन्स होती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे में एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, फिर उसके नीचे हमने एक और लाइन देखी थी उसके ऊपर भी हमने देखी थी, ठीक है, ये चीज आपने देखा इम्पोर्टेंट है, ये लाइन हम यहाँ पर देखते हैं बहुत ज्यादा, फिर यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है, आता कि नहीं आता 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री आपको आते हुए मैंने देख बताया, तो इसका मतलब अगर देखो आप तो 37 तो यहाँ और 6 यहाँ, तो इसका मतलब कौन सी लाइन हमारे यहाँ से जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर देखा जाए तो 37 ये है 6 यहाँ, तो ये मतलब हमारे बीच में आएगा 23, तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर ये बीच में आती है, ठीक है, तो भारत के बिल्कुल यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, भारत के बिल्कुल यहाँ से होते हुए गुजरती है, तो ये कौन सा लैटिट्यूड आ गया हमारा, कंप्लीट। अगर हम स्टेट गिने तो आपको मैं अभी स्टेट तो वैसे पढ़ाऊंगा, उससे आपको पूरा ये याद में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये क्या हमारा गुजरात, तो आप बोले सर गुजरात में तो जा रही है, ये अगर देखें तो बीच में यहाँ पे देखो एक ना ऐसा है थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आपको मैंने मिटा के दिखाया थोड़ा हल्का सा इलाका जो है राजस्थान का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से अगर जाता तो ये छोटा सा इलाका ना राजस्थान से टच कर जाता है, किससे टच कर गया, तो दूसरा कौन सा हो गया राजस्थान, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा अगर हम यहाँ देखें तो ये कौन सा है, तीसरा यहाँ पे कर तो क्या आ गया, ये अगर हमारा क्या हो गया छत्तीसगढ़, क्या हमारा ये छत्तीसगढ़, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के देखने को मिला, ये क्या है झारखंड, ठीक है, ये झारखंड देखने को मिलेगा, ये हमारा क्या है वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो हमें यहाँ पर वेस्ट बंगाल देखने को मिल गया, ये देखो छोटा त्रिपुरा को भी टच कर दिया इसने, और ये मिजोरम, इन्हों जगह कितने स्टेट है, 8 राज्य को यहाँ पर किया कंप्लीट, ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ देखने को मिली। दो चीज अब हम यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट चीजें याद करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस तो हमने देख लिया पूरा लेंथ में, इसका भी हमने यहाँ पर देख लिया कम्प्लीटली, ठीक है, 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। अब हमारे पास दो एक चीज इम्पोर्टेंट चीज है, आप देखोगे तो ये समुद्र का एक इलाका, यहाँ से भारत का पूरा समुद्र देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, और यहाँ पे लैंडमार्क लैंडमार्क तो ये भी है लेकिन ये लैंडमार्क से जुड़ा हुआ कनेक्ट है, ठीक है, हम यहाँ स्थल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पानी से हमारा कनेक्ट रखा है, ठीक है, दो मतलब हमारा जो है एरिया दो तरीके से डिवाइड हो गया। दो चीज एग्जांपल बता दूं मैं आपको, फिर से वर्ड क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि जब किसी भी लैंड के तीन तरफ पानी होता है तो सब पेनिनसुलर कहते हैं, अगर चारों तरफ होता है पानी और लैंड जो लैंड होता है वो छोटा होता है आइलैंड कहते हैं,
ठीक है, ये चीज आपको ना और भी कई सारी चीजें हैं कि अगर किसी लैंड पे पानी के तीन तरफ पानी के तीन तरफ लैंड होता है तो वो भी एक अलग नाम से जानता है, जो अभी नहीं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि सर ये तो फिर तो इसका मतलब हमारा कोस्टल एरिया का भी अपना डिस्टेंस होगा। मरीज इधर ध्यान दो, तो आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको यहाँ पर भी होगा पूरा कंप्लीट, होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये जो हमारा यहाँ से लेके पूरा जो है ये हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, तो इसका अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये तो मेन लैंड है लेकिन ये भी तो हमारा है और ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ये भी तो कोस्टल एरिया देखने को मिल जाता है, अंडमान निकोबार और यहाँ लक्षद्वीप देखने को मिलता है ना, ये भी तो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इनका भी डिस्टेंस इंक्लूड कीजिए आप, तो क्यों ना अगर फिर तो आपसे यहाँ पे तो दो क्वेश्चन बन गए, एक हमारी एक्चुअल मेन लैंड का जो डिस्टेंस हो गया, एक यहाँ का हो गया। तो एक काम करते हैं, पहले हम सबका कर लेते हैं, पहले इनको भी इंक्लूड करके हम अपना क्या निकालते हैं, कोस्टल एरिया, ठीक है, कोस्टल एरिया निकालते हैं। एक मिनट रुको, ठीक है बच्चों। तो आपसे यहाँ पे अगर बोला जाए तो कोस्टल एरिया देखने को मिल जाता है, कोस्टल एरिया हमें देखने को मिलेगा, ध्यान देगा जल्दी, कोस्टल एरिया अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होता है तो आप सीधा बोलोगे सर टोटल 5,000 7,500 16.6 किलोमीटर जो है भारत का टोटल कोस्टल एरिया देखने को मिलता है, कौन सा एरिया देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया। अगर आपसे सिर्फ एक्चुअल लैंड का अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे सीधा 6,106 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे जो है सिर्फ 100 भी बताया जाता है, तो आप बोलोगे 6,100 किलोमीटर जो है हमारे एक्चुअल लैंड का जो है कोस्टल एरिया है। अगर हम टोटल अंडमान और निकोबार को भी और लक्षद्वीप को इंक्लूड कर दें तो 7,516.6 किलोमीटर देखने को मिलता है। जैसे हमने अभी कोस्टल एरिया को निकाला वैसे हमारा लैंड भी होगा, लैंड बॉर्डर भी होगा। तो आप अगर यहाँ से देखें ये पूरा यहाँ से ये पूरा यहाँ तक हमें देखने को मिल जाता है लैंड का, तो लैंड का हम टोटल बोलेंगे सर 15,200 किलोमीटर। और ये देखो दो चीजें, ये आपके NCERT में भी दिया गया लेकिन कहीं 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 पे आपको ना ये भी दिया गया 15,106 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों आपको एक्चुअल जो है लैंड का याद रखना है। इतना याद हो गया आपको कंप्लीट, यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको, तो हमने देखा यहाँ से लैटिट्यूड्स हमने दोनों चीजें पढ़ ली, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत बात नहीं, आपको पूरा लोकेशन पता चल गया। लोकेशन में हमने ये देख लिया कौन से लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, कौन से लॉन्जिट्यूड से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ सब गुजरता है। एक और चीज है, अब मैंने आपको बताया लॉन्जिट्यूड, जैसे ये तो होता है टेम्परेचर के लिए देखने को मिलता है लॉन्जिट्यूड्स, वो लैटिट्यूड्स देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्जिट्यूड्स होता है टाइम को भी रेफर करता है, हमें टाइम के बारे में समझाता, इसके बीच की दो कहानी देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एक अर्थ होता है, इस पे ना एक प्राइम मेरिडियन जो बीच की एक हमने रेखा दी है, ठीक है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं उसको 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है, 0 डिग्री मानते हैं। वो कहाँ से होता है, तो लंदन के एक जगह है ग्रीनविच, लंदन का एक जगह हमें देखने को मिला ग्रीनविच, वहां से सूरज की रोशनी ना दोपहर में बिल्कुल टॉप होता है, हेड होता है 90 डिग्री गिरती है, जिस वजह से वहाँ पे धूप होता है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं उसको हमने मान लिया अपना एक पूरे वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड टाइम, एक टाइम मानते हैं, टाइम जोन का मानते हैं। तो हमें वहाँ से पता चल गया कि इसके 0 डिग्री के इधर कोई भी लाइन से इधर जाएगा वो प्लस में गिना जाएगा, क्यों, क्योंकि पता है पृथ्वी जो होती है वो ईस्ट ऐसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है पृथ्वी, ठीक है, चीज याद रखना। तो जब भी सूरज अगर यहाँ होगा तो पहले बता पहले ये वाला हिस्सा आएगा ना सूरज की तरफ, जैसे मैं अगर आऊंगा तो ये सामने मेरा आ गया सूरज, पीछे वाला लेट आएगा थोड़ा, तो मैं ऐसा अगर घूमता रहूंगा तो इधर में प्लस होता जाएगा और जो अब मैं यहाँ जाऊंगा तो अब ये नेगेटिव होगा, रोटेशन, ठीक है, हाँ एक्सिस के अकॉर्डिंग में देखा था, उसमें भी बताऊंगा कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपने कभी देखा होगा कि हमारे यहाँ जून में जब गर्मी होती है तो वही जब 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वहां ठंड होती है,
आपको यहाँ पे देखोगे अभी हमारे ठंड है ना, वहाँ गर्मी चल रही है, क्यों होता है इसके? मैं जब टेम्परेचर के क्लास लूंगा, पूरा टेम्परेचर समझाऊंगा, तो उस पूरे टेम्परेचर में हर एक चीज़ को लेके चलेंगे हम अपने, ठीक है? उसमें ऐसे ही बिल्कुल ऐसे बैठ के और पूरा टेम्परेचर समझना है, रिवर के बारे में समझना है कि किस तरीके से जो यहाँ से गंगा रिवर का जो सिस्टम बनता है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र का सिस्टम बनता है, मानसरोवर से मानसरोवर से सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, तीन नदियों के बारे में यहाँ पढ़िए। तो हिमालय जो हिमालयन रिवर, पेनिसुलर रिवर, दो हमारे रिवर को डिवाइड किया गया, उन सबको अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे ये चीज समझ आ गया आपको इतना, ठीक है? तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे जो है प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो हमें पता है भारत से जो एक लाइन देखने को मिलता है, ठीक है, भारत में जो यहाँ से लगभग 82 degrees 30 minutes यहाँ का एक ये वाला जो लॉन्जिट्यूड है, ये वाला जो लॉन्जिट्यूड है, जब वो आता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आता है, ठीक है, थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा हो गया, इधर ही रहेगा, ठीक है, इधर ही रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिर भी आपको बता देता हूँ। तो ये कहाँ से देखो, कहाँ का शुभ लग रही है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश से थोड़ा इधर होता है, ठीक है, मैं उधर चला गया ज्यादा, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती है, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं इस साइड हो गया हूँ, लेकिन इधर ही रहता है, ठीक है, उड़ीसा से नहीं निकलती है, ये चीज याद रखना। कंप्लीट यहाँ से अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पर हम स्टेट, नेबर कंट्री, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बहुत इजी रहेगा, सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा। अब हम यहाँ पे नेबर कंट्री के बारे में समझेंगे कि भारत के कितने नेबर कंट्री हैं आजकल। तो हमें पता है भारत के टोटल 9 है, टोटल 9 कंट्री हमें देखने को मिलता है, जिसमें से पता है कि लैंड मास से 7 कंट्री जुड़े हुए, और हमें वाटर से, कोस्टल वाटर से, सी से देखे जाए तो देखा जाए तो हमें 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजीली हम समझ जाएंगे कि भाई पहले हम 2 जो है उसको कर लेते हैं। एक ये श्रीलंका हो गया, यहाँ लक्षद्वीप से 8 degree चैनल जो है हमारा, उससे नीचे जो हमें क्या देखने को मिलता है, म्यांमार। किसने बोला? पिटाई कर दूंगा मैं उसकी। क्या देखने को मिलता है? मालदीव देखने को, ठीक है? म्यांमार आपका ये है, ठीक है? स्टार्ट देखो, ये 2 हमारे क्या बन गए, कोस्टर, हमारे वाटर के बॉडी के साथ जो हमारे जो कंट्री जुड़े हुए वो देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर से हमें लैंड मास से जो 7 कंट्री उसको देख लेते, सिंपल सा पाकिस्तान हो गया, एक हो गया फिर शान, पहले मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक हो गया। दूसरा यहाँ से 106, सबसे छोटी बाउंड्री इसी की है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पर देखने को मिलती है अफगानिस्तान की, ठीक है? तो सेकंड नंबर पर हमने यहाँ पे अफगानिस्तान को देख लिया, यहाँ से पूरा चाइना देखने को मिलता है, यहाँ से भी ये इसका इलाका सिक्किम पे थोड़ा सा, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश चाइना की हमें 2 देखने को मिलता है। तो 3 यहाँ पर हो गया, चौथा नेपाल हो गया, पांचवा भूटान हो गया, ठीक है, छठा यहाँ पर ये हो गया, सात छठा जो हो गया हमारा म्यांमार, यहाँ पर हमने देख लिया, सातवा यहाँ पे बांग्लादेश, 7 कंट्रीज हो गई इजीली हमने यहाँ पर 7 कंट्रीज इसको भी देख लिया। अब स्टोरी हम यहाँ पर स्टेट के बारे में समझेंगे, ठीक है? ये तो मैं थोड़ा सा पुराना मैप मैंने देख लिया, यहाँ से पुराना मैप है, ये चीज मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? आपको पता है 2 चीज पहले आपको नोट करना है, 2 चीज आपको नोट ये करना है कि हमें पता है कि 2014 में जो 29वां स्टेट था तेलंगाना, उसको बनाया गया था 2014 में, बट हमने क्या देखा कि 31 अक्टूबर को 2019 में हमने ये देखा कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको स्टेट से हटा दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक तरफ जम्मू कश्मीर बना, एक तरफ हमें लद्दाख को देखने को, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी।
टेरिटरीज उठी। फिर उस समय जो हमारा स्टेट हो गया था 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी। फिर हमने देखा 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 2019 को क्या देखा कि दमन एंड दीव प्लस नागर हवेली उनको जो है एक कर दिया गया, उनको मर्ज कर दिया। तो अब उनके प्रेजेंट में क्या हो गया 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज देखने को। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो करंटली हमारे पास 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज। आए समझ में? ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो तेलंगाना यहाँ जो है, देखो ध्यान से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, दो स्टेट यहाँ पे, तो एक जम्मू एंड कश्मीर हमारा स्टेट था, तो जम्मू एंड कश्मीर ये हुआ, लद्दाख हमारा ये रीजन बन गया। ये चीज हम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम इन्हीं 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे। लेकिन पहले हम 28 को यहाँ पर समझ लेते हैं क्या चीज कैसे है। आपको मैंने यहाँ पर दो बिल्कुल शांत होगा, कोई जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो हम वो चीज को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ की अगर बात देखें तो 7 सिस्टर्स हमें देखने को मिलता है। क्या इसे जो ईस्ट की 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है, 7 सिस्टर्स होते हैं और एक यहाँ पे सिक्किम अलग से हमें देखने को मिलता है। तो क्या है 7 सिस्टर के लिए? मैंने आपको चार भाई बहन की कहानी बताई थी, उसको याद रखना है, ठीक है। चार भाई बहन की कहानी आपको यहाँ पर बताई थी, ठीक है, जिसमें देखो यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ा था, ताकि देखो ट्रिक्स होती है, सबको ट्रिक्स याद करनी पड़ती है और अच्छे से, देखो आपको जो अपनी ट्रिक्स लगे, हमें मेन चीज़ होता है याद होना, उसके लिए चाहे हमारा कौन सा तरीका, किस तरीके से हम याद करते हैं वो हमारे ऊपर खुद ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक ट्रिक, जैसे मैं था तो मैंने एक ट्रिक्स होगा था कि यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पे एक चार एक सुखविंदर या ठीक है, सुखविंदर आपका एक भाई, एक उसके बाद उसका छोटा भाई आ गया अरुण, उसका छोटा भाई अश्विनी, उसकी छोटी बहन, इन सबकी छोटी एक ही बहन थी मेघा। यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल शांत, बहुत अच्छी सी स्टोरी है। सुखविंदर को कोई मतलब नहीं था, वो अकेले बैठा रहता था, लेकिन ये दोनों भाई लड़ते थे कि मेरी प्यारी बहन है। एक दिन बहन ने क्या कहा कि भैया मुझे आप ना नागमणि ला के दो। क्या ला के दो? नागमणि ला के दो, ठीक है। तो क्या ला के दो? नागमणि ला कर दो, ठीक है, नागमणि ला कर दो। नागमणि लाने के लिए का, तो उसने देखा कि भाई दोनों ने देखा कि नाग तो पहले रक्षा कर रहे मणि की, उनके मन में टेरर उत्पन्न हो गया, डर उत्पन्न हो गया, टेरर हो गया, और उसने कहा नागमणि को लेने जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये स्टोरी यहाँ पर थी, छोटी सी स्टोरी थी, कुछ भी नहीं था इसमें। अब मर जाएंगे तो इसी को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना, इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है सुखविंदर अलग बहता खड़ा देखता है इनके भाइयों में से, कहता भाई मुझे तो कोई मतलब नहीं, तो सुखविंदर से सिक्किम हो गया, ठीक है, और उससे लाइन भाई से सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हमें यहाँ पे देखने को मिला। क्या देखने को मिला? उसके बाद नीचे क्या है? असम देखने को मिला, असम देखने को मिला। उसके नीचे क्या है? मेघालय देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे कौन है? नागमणि लेने गया था, तो पहले नाग आ गया, उसके बाद क्या आ गया? मणि लेने गया, मणिपुर आ गया, ठीक है, मणि लेने गया तो मणिपुर आ गया, नाग लेने गया तो नागालैंड आ गया, नागमणि। भाई उसको देखते इनके मन में क्या उत्पन्न हो गया? टेरर से त्रिपुरा हो गया। उसने बोला अगर नागमणि को लेने जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। बहुत इजीली याद हो गया, अपने तरीके से बना लो, अपने तरीके से कर लो। जैसे मैं किसी को और कुछ और बताता हूँ, भाई मुझे पता है वो उस तरीके से समझेंगे, किसी और को किसी और तरीके से ट्रिक से, अपने हिसाब से बनो ट्रिक। अब देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं, अभी देखो सारे स्टेट हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई समुद्र का इलाका है, बोट से ट्रेवल करना पड़ता है, किससे ट्रेवल करना पड़ता है? बोट से। बोट को बी की जगह आप डब्ल्यू लिख लो, बोट की जगह डब्ल्यू लिख लो। इसमें टोटल कितना? 1 2 3 4 है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है अपना छोटा भाई भी लेके चल रहा था, ये याद रखना, छोटा भाई लेके चल रहा था। डब्ल्यू से हो गया बंगाल, ओ से हो गया उड़ीसा, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। अब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का छोटा भाई बिगड़ गया, जिसको हम कहते हैं तेलंगाना। कौन आ गया? तेलंगाना। फिर भाई टी से आ गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। बस सिंपल सा यहाँ के देख लिया।
इधर चलते हैं। मैंने आपको बताया गोवा में काजू कतरी बहुत पसंद है, काजू कतरी बहुत पसंद है। तो हमें बता काजू कतरी गोवा यहाँ से सीधा लिखो, काजू से यहाँ केरल, कतरी से कर्नाटक, गोवा से एम से महाराष्ट्र, एम से सिंपल सा यहाँ महाराष्ट्र हो गया। ध्यान दो इधर, हमें पता है भारत है, भारत के बीच के इलाकों को क्या बोलते हैं, मध्य मध्य प्रदेश, इसको भी मैंने लिख लिया, कंप्लीट हो गया इतना ज्यादा। और मध्य प्रदेश से भी उसका छोटा भाई बिछड़ गया, जिसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़, ये याद रखना। चार भाई बहन बिछड़ते हैं, एक देखो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बिछड़ता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड बिछड़ता है, और वैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बिछड़ता है, लेकिन हम उसको बिछड़ना भाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। तीन भाई बहन को आपने देख लिया, ठीक है, इतना याद हो गया। ऊंट कहाँ पर फेमस है, राजस्थान, ऊंट निकला हुआ है ना, ऊंट का वो जो होता है ऊपर से, तो राजस्थान हो गई, राजस्थान। ऊपर से आते हैं, अब तो हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर जो है लद्दाख, ये तो कंप्लीट हो गए। उसके नीचे हमने माउंटेन पढ़ा था, तो सबसे उसका देखा सेकंड पार्ट हिमाचल पढ़ा था, सिंपल सा आपको ये याद रखना है, यहाँ पे हिमाचल बी इधर ला दो पंजाब, एक्स यहाँ उतार दो हरियाणा, सिंपल सा ये याद रखना, पी इधर उतार दिया एच इधर उतार दिया, हो गया सिंपल सा। फिर मैंने आपको बताया भाई उत्तर प्रदेश में ना तो बहुत होते हैं बंदे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था उसके राइट हैंड इधर दो भाई हैं, एक इधर वाला भाई है एक इधर वाला, तो आप समझ लें इधर वाले भाई को बोला जाता है उत्तराखंड, इधर वाले को बिहार बोला जाता है, ये दोनों इसके दो हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, और बहुत चौड़े होते हैं, ये बहुत चौड़ में चलते हैं। तो हमने यहाँ पर सीधा देख लिया कि ये भाई उत्तर प्रदेश हो गया, इसका राइट हैंड क्या हो गया उत्तराखंड, ये याद करने देखो, उत्तर में भी यू डबल टी ए आ जाता है और उत्तराखंड में भी यू डबल टी ए आ, उत्तराखंड आगे खंड चला जाता है, ठीक है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, इसका छोटा भाई क्या था राइट हैंड क्या था लेफ्ट हैंड क्या था बिहार, और बिहार का भाई बिछड़ गया, आपको कोना तो पता ही है, ये तो गुजरात अलग से ही दिखेगा, ये एंडिंग पॉइंट याद किया था ना, गुहार मोती, गुहार मोती देखने को मिलता है सर्किरी की रेखा पे, हाँ, तो ये हो गया गुजरात, यहाँ पे हमारा टोटल 28 राज्य भी कंप्लीट हो गए। ये याद रखना है, जब मैं आपको बोलूँ 10th क्लास 9th क्लास सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर 10th क्लास जैसे आप देखो आपकी क्लास आपके जो है एक चैप्टर है मिनरल्स वाला, आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा, पता है क्योंकि उसमें मैप आता है, तो मिनरल्स याद करना होगा। मैं अगर आपसे बोलूँ कि छोटा नागपुर झारखंड में जहाँ पे अच्छा खासा मिनरल्स देखने को मिलता है, तो पता है झारखंड ले रहा। जब मैं आपसे टेम्परेचर की बात करूंगा तो मैं बोलूँगा कि इक्वेटर रीजन पे जो होते हैं रबर क्रॉप्स उगाई जाती है, तो इक्वेटर रीजन ये है, और यहाँ से पता चल गया आपको ये 8 डिग्री से स्टार्ट होता है अंडमान निकोबार 6 डिग्री से, तो अंडमान निकोबार पर रबर की क्रॉप्स की जाती है, और यहाँ पे हम केरल देखेंगे तो और केरल तमिलनाडु, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको याद करना अभी से, तमिलनाडु ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, आप सबको भी ये चीज याद करना है, मैप बहुत मस्त है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, जब हम एयर की बात मॉनसून की पढ़ेंगे, मॉनसून भी आपका 9th क्लास में चैप्टर है, जब हम मॉनसून की बात करेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि एक चीज देखो यहाँ पे कि भाई जून के वक्त में, जून या जुलाई के वक्त में, जून के वक्त में गर्मी बहुत होती है, गर्मी के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्या प्रेशर क्रिएट होता है, और जब यहाँ पर होता है समुद्र के इलाके में, यहाँ पर जो है देखो एक चीज फैक्ट याद रखना, स्थल जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन सी लेवल बहुत देर से गर्म भी होता है और बहुत देर से ठंडा भी होता है, तो ये जून के वक्त में तो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन समुद्र जो होता है ये वाला इलाका देखते हैं वो गर्म जल्दी नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ से हाई प्रेशर क्रिएट होता है और मानसून हवा इस तरीके से चलती है। हमें पता है विंड के चलने की प्रोसेस, हमें पता है कि विंड जो होता है हमेशा विंड जो देखने को होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, ये रीजन है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं अक्टूबर के वक्त में, धीरे धीरे अक्टूबर के वक्त में यहाँ ठंडा स्टार्ट होने लगता है, तो ठंड से जब मानसून वापस से जो है, और यहाँ पे जो होता है ठंड जल्दी नहीं होती गर्मी रहता है, इस वजह से वापस से मानसून की तरफ चलता है। पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ को यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बहुत अच्छे से हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम रिवर सिस्टम को लेके चलेंगे, रिवर सिस्टम में हम दो चीज़ हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हमारे में जो है दो प्रकार का रिवर सिस्टम है, एक होता है हिमालय रिवर सिस्टम, एक होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम।
हिमालय रिवर सिस्टम में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, सिर पेनिनसुलर के बारे में, पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ, इनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम रिवर सिस्टम के लिए स्टार्ट करेंगे।